जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, मज़े में बेहतरीन ना, गुड ऐसी होना चाहिए। बड़े अरसे बाद आज वीडियो आ रही है, लेकिन ना मैं ज़रा थोड़ी सी क्विक सी अपडेट आप लोगों को देना चाह रहा था। आज बहुत बड़ा मैच है पाकिस्तान और इंडिया का, ठीक है, और यहाँ लाहौर के अंदर भी काफ़ी बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, दैट इज़ रियली गुड। लेकिन जो दोस्त हमारे नहीं ऑनलाइन जाके लाइव नहीं देख सकते, उनके लिए एक ऑनलाइन ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, एंड दैट इज़ ऑन तराज लाइव। मैं भी आपको क्विकली दिखा देता हूँ उसका कि क्या उसका तरीका है। आपकी तराज ऐप तो आजकल हर किसी के मोबाइल के अंदर होती है, ठीक है, तो मैं भी आपको स्क्रीन पे सारी चीज़ समझाता हूँ। बाकी की अपॉर्चुनिटी फ़ौरन क्लेम करें और लाइव मैच आपको ये वाला भी नज़र आएगा और इससे आगे बाद वाले भी सारे नज़र आएंगे, ठीक है। लेट्स चेक आउट द स्क्रीन के भी किस तरह तराज ऐप में से वो देखना, वेरी सिंपल। हाँ जी सर, ये आपके सामने इस वक्त मोबाइल का इंटरफेस है और ये आपकी रही एप्लीकेशन दराज की, ज़बरदस्त, हर किसी के मोबाइल में आजकल होती है, नो मसला। ये देखें बॉटम लेफ्ट पे दराज लाइव वॉच नाउ लिखा हुआ, दिस इज़ फॉर एशिया कप 2022। ये देखें सबसे पहला मैच ही 7 बजे है, 2 घंटे के अंदर है, संडे 28th, एंड उसके बाद फिर बांग्लादेश अफगानिस्तान का है, ज़बरदस्त। आप इसका रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल वेरी क्विक, ताकि आपको रिमाइंडर मिल जाए। और ये देखिए रिमाइंड भी संडे 28th 7 PM, जस्ट 2 आवर्स फ्रॉम नाउ। और अगर आपने प्रीवियस मैच देखना, जैसे लंदन स्पिरिट एंड ओवल इनविंसिबल है, एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि ये मैच नज़र कैसे आएगा आपकी स्क्रीन पे, और विदाउट लैगिंग बिल्कुल नॉर्मल चलने वाला है ये। आप इसको लैंडस्केप में भी कर सकते हैं। बस इतनी सी कहानी थी सारी, ज़बरदस्त है, क्विक है, फ़ौरन जाए। दराज अगर आप यूज़ करते हैं डेफिनेटली तो अच्छी बात है, नहीं करते तो दराज की लाइव ऐप यूज़ कर लें। मैंने वैसे इसको कंप्यूटर पे भी ट्राई नहीं किया, शायद कंप्यूटर पे भी ऑप्शन अवेलेबल हो, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं स्मॉल स्क्रीन के साथ तो मैच तो बड़ी स्क्रीन पर देख के मज़ा आता है। लेकिन वट एवर यू वॉन्ट टू डू, दैट्स योर ओन चॉइस। आप इसको अभी ट्राई करें। और मैंने क्या बात करनी थी यार, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी। हाँ, जो ओवरसीज़ हैं, मतलब दे आर नॉट सिटिंग इन पाकिस्तान, और इंडियन और पाकिस्तानी या कोई भी ये मैच देखना चाहता है इस तरह करके, तो उनको इश्यूज थोड़े आ जाएंगे इस चीज़ से लेके। लेकिन उनका भी एक हल है कि VPN आप डाउनलोड करें और उसके बाद फिर VPN में कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करें, बिकॉज दिस इज़ फॉर पाकिस्तान। सो आई होप ये आप लोगों को काफ़ी हेल्प आउट हुआ होगा। तो एंजॉय दिस मैच, इट इज़ अ वेरी बिग मैच, सो गुड लक पाकिस्तान।